अलवर जिले के लछोनगढ़ थाना अंतर्गत हरसाना में 7 माह के बच्चे के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में शुक्रवार को अलवर एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना था कि जिले में लगातार बढ़ रहे अपराधों को रोक पाने में पुलिस असफल रही है। जिले में रोजाना रेप, हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इन पर अंकुश लगाने में नाकाम रहा है। उन्होंने मांग की कि जिले में अपराधों को रोकने की दिशा में ध्यान दिया जाए। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष टीकाराम जूली, प्रदीप आर्य, जोगेंद्र सिंह कोचर, नरेंद्र मीणा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिछले दिनों से लगातार अलवर के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी घटनाएं, और मैं कहूँगा कि अलवर का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की घटनाएं अलवर में हो रही है। कल जो घटना हुई है, 7 महीने की बच्ची के साथ रेप की, इससे पहले भी 7 साल की बच्ची के साथ रेप, 8 साल की बच्ची के साथ रेप, मर्डर, व्यापारी का मर्डर, दलितों का मर्डर, शहर के अंदर व्यापारी का मर्डर, बहरोड के अंदर व्यापारी का मर्डर, लूट, चैन स्नेचिंग, इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, उन सबको लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी साहब से मिला है, और ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, पुनरावृत्ति नहीं हो, और एडवांस में ही जब पुलिस अगर मुस्तैद रहे, पुलिस का इस प्रकार का जिले के अंदर मैसेज रहे कि अलवर की पुलिस मजबूती के साथ अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको तुरंत पकड़ लेगी, तो क्राइम पे रोक लगेगी। आज क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बट आप क्राइम करने के बाद में किसी को पकड़ते हैं तो मैं समझता हूँ जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, अब जो 7 महीने की बच्ची है उसके साथ जो हुआ है, उस बच्ची को तो आज पूरी ज़िंदगी वो इस चीज़ को नहीं भूल सकती। आज अपराधी को भले ही फांसी लग जाए, लेकिन बच्ची के साथ तो अहित हो गया ना। तो इस प्रकार की जो घटनाएं, उन पे रोक लगे कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। उधर 7 माह की बालिका से रेप के आरोपी पिंटू भराड़ा को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां आरोपी को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार जीनवाल ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता को आर्थिक सहायता मुहैया कराई, जिसके तहत 1 लाख रुपए पीड़िता की मां के खाते में नगद जमा कराए गए और 1.5 लाख रुपए की FD बच्ची के नाम कराई गई। 9 तारीख को अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में जो एक हैवानियत का कृत्य हुआ था, एक राक्षसी कृत्य जिसको मैं कहूंगा, मेरे पास शब्द नहीं है उस हैवानियत की दरिंदगी के बारे में। उसके 7 माह की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई, उस घटना की जानकारी मीडिया के थ्रू हमारे पास आई। मैं पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर की तरफ से यहाँ पर आया, सारी वस्तुस्थिति मेरे द्वारा ली गई। इसकी जानकारी मेरे द्वारा हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री मनोज कुमार जी व्यास साहब को दी गई। उनके द्वारा भी इस मामले में बहुत ही संवेदनशीलता दिखाते हुए दिशा निर्देश दिए गए, और माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2011, जिसमें किसी भी अपराध से पीड़ित व्यक्ति को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कुछ राहत राशि प्रदान की जाए, उसमें माननीय मनोज कुमार जी व्यास साहब द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि त्वरित रूप से इस बच्ची के लिए जो भी राहत राशि हमारे विधि के प्रावधान हुआ उसे रिलीज किया जाए। इस संबंध में कल 11:10 को 12 बजे हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई, उसके बाद तुरंत गति से पुलिस प्रशासन और जिला कलेक्टर ऑफिस से हम लोगों ने कंसर्न मीटिंग की। उन लोगों से पूरा हमें भरपूर सहयोग भी मिला, और कल की तारीख में भी सारी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए आज 10:30 बजे माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के सभागार में मीटिंग आयोजित करके सारे जितने भी मेंबर्स थे, जिसमें हमारे न्यायिक अधिकारी गण भी थे, जिला कलेक्टर ऑफिस से भी थे, SP ऑफिस से भी थे, सभी ने इस घटना की बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा की, और सभी के द्वारा यह भी चिंता व्यक्त की गई जो 7 माह की बच्ची है, गर्भवती बालिका के साथ जो घटना घटित हुई उसके बारे में आगामी दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए कि इस प्रकार की घटनाओं को किस प्रकार से रोका जाए, एवं विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत 24 घंटे की अवधि के भीतर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उस बच्ची के बाबत 2.5 लाख रुपए की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई, जिसमें 1 लाख रुपए उस बच्ची के परिजनों को नकद रूप से उसके खाते में दिए जाएंगे, और 1.5 लाख रुपए की एक FDR उस बच्ची के लिए खाते में करवाई जाएगी, जिसके की उसके वयस्क होने पर उसे दी जाएगी। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस बच्ची की दीर्घायु और इसके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता है।